कुरुक्षेत्र वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से शहर में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मशीन कुरुक्षेत्र वासियों को मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेंसर बेस्ड मशीन द्वारा शहर में ब्लॉक सीवरेज को साफ कर पानी की निकासी की आए दिन होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज जन स्वास्थ्य विभाग को ये मशीन भेंट की गई। थानेसर विधायक सुभाष सुधा और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने हरी झंडी दिखाकर इस मशीन को रवाना किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों को आए दिन सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस मशीन की मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा में सबसे पहले कुरुक्षेत्र शहर को यह मशीन मिली है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएम दिनेश गाबा, मोहनलाल अरोड़ा, गोरेलाल जुनेजा, राजू सेठी, अमन भार्गव, अरुण गुलाटी आदि भी मौजूद रहे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश को मेरे विकास की लहर को बहुत बड़ी विकास सबका साथ सबका विकास और बहुत बड़ा कार्य किया। मैं कहूँगा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी ये हमारी जो है सीवरेज मशीन जो है वो लगभग जेंडिंग मशीन 45 लाख रुपए की हमें ये देखिए शहर के लिए दी है और मैं तहत से धन्य करता हूँ अपने हमारे यहाँ के जो भी हमारे जो एक्शन है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ। उनको मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे यहाँ मशीन जो है पुरानी है ख़राब है, नई मशीन ये मशीन आई है, लगभग ये मशीन आप पूरे शहर के अंदर पिछले जहाँ पर भी सीवरेज ब्लॉक होता है 8000 लीटर इसके अंदर जो है टस्टी है इसकी सीवरेज को करने के लिए 8000 लीटर जो है रस्ते में पानी आएगा, ये उसको बहुत बढ़िया एक सीवरेज व्यवस्था अपेन करेगी, सीवरेज व्यवस्था को फिर करेगी। और मैं ये गलती से कहता हूँ इसका शहरवासियों को बहुत ज़्यादा जो ब्लॉक हो जाता है सीवरेज उसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा।